Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. The topic which we will discuss today in thermodynamics is entropy. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है. ऊष्मागतिकी का जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंट्रोपी. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम एंड द कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम एंट्रोपी क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, एंट्रोपी में वृद्धि का सिद्धांत, ताप एंट्रोपी चित्र एवं एंट्रोपी की गणना करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी. तो सबसे पहले एंट्रोपी. द वर्ड एंट्रोपी इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रॉप मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो एंट्रोपी वास्तव में ग्रीक शब्द ट्रॉप से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एंड हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ हीट इंजन. तो यह ऊष्मागतिकी राशि अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसका ऊष्मा इंजन के व्यवहार में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध किया जा चुका है. इट्स कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉसियस. एंट्रोपी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लॉसियस ने दिया था. सो यहां पर हमने एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाया है, एक दाब आयतन वक्र बनाया है जिसमें एक साइकिल हमारा ए बी सी डी है, दूसरा साइकिल हमारा डी सी ई एफ है. तो एल एंड एम आर एडियाबेटिक प्रोसेस, वेयर एज ए बी डी सी एंड एफ ई आर आइसोथर्मल्स एट टेम्परेचर टी वन टी टू एंड टी थ्री रेस्पेक्टिवली. तो यहां एल एवं एम दो रुद्धोष्म वक्र है जबकि ए बी डी सी एंड एफ ई ताप टी वन पर, ताप टी टू पर तथा ताप टी थ्री पर समतापीय वक्र हैं. फॉर साइकिल ए बी सी डी वक्र या चक्र ए बी सी डी के लिए, तो साइकिल एबीसीडी की अगर बात करें सो इन दिस साइकिल क्यू वन हीट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स एट टी वन. टी वन ताप पर क्यू वन ऊष्मा स्रोत से ली जाती है. क्यू टू हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट टी टू. टी टू ताप पर सिंक को ऊष्मा क्यू टू दी जाती है. तो सोर्स से हीट Q1 ले रहे हैं एंड सिंक को हीट हम Q2 दे रहे हैं. सो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कार्नोट्स इंजन, तो कार्नो इंजन के सिद्धांत से Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2. नाउ ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था. सिमिलरली फॉर साइकिल
डी सी ई एफ। इसी प्रकार चक्र डी सी ई एफ के लिए, तो यहां पर सोर्स से हीट क्यू टू ली है एंड सिंक को हीट हमने क्यू थ्री रिजेक्ट की है। सो कार्नोट इंजन का थ्योरी अगर यहां पर यूज करोगे, कार्नोट इंजन का सिद्धांत अगर यहां पर यूज करें, सो क्यू टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू क्यू थ्री अपॉन टी थ्री। सो क्यू टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू क्यू थ्री अपॉन टी थ्री। एंड अभी हमने निकाला था क्यू वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन टी टू। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ में लिखें, सो क्यू वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन टी टू इज इक्वल टू क्यू थ्री अपॉन टी थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो क्यू वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू क्यू टू बाई टी टू इक्वल्स टू क्यू थ्री बाई टी थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इन जनरल क्यू बाई टी इज कॉन्स्टेंट, और ये जो कॉन्स्टेंट है इसको हम एस से डिनोट करते हैं, जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं। सो क्यू बाई टी इज कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय एस। इस स्थिरांक को हम एस से निरूपित करते हैं। हियर एस इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी नोन एज द चेंज ऑफ एंट्रोपी बिटवीन द स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडियाबेटिक्स एल एंड एम। यहां एस एक स्थिर राशि है जो दो रुद्धोष्म वक्र एल एवं एम के मध्य अवस्था की एंट्रोपी में परिवर्तन दर्शाती है। सो एक एडियाबेटिक कर्व पर है ये है, और दूसरा एडियाबेटिक कर्व ये है। सो ये जो दोनों एडियाबेटिक कर्व है ये रुद्धोष्म वक्र है, इनके बीच में जो अवस्था परिवर्तन है उसका एंट्रोपी में परिवर्तन हमारा एस है। इफ द टू एडियाबेटिक्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हीट टेकन और रिजेक्टेड एट ए टेम्परेचर टी इन गोइंग फ्रॉम वन एडियाबेटिक टू अनादर इज डी क्यू, देन यदि दोनों रुद्धोष्म वक्र एल एवं एम एक दूसरे के अत्यंत समीप हो तथा एक रुद्धोष्म वक्र से दूसरे रुद्धोष्म वक्र तक टी टॉप पर जाने पर ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा डी क्यू हो, तो चेंज इन एंट्रोपी डीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। एंट्रोपी में परिवर्तन डीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी होगा। नाउ ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था, डीएस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी है। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम वन एडियाबेटिक टू अनदर दैट इज फ्रॉम एल टू एम एंड द एंट्रोपी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एडियाबेटिक इज एस टू, तो एक रुद्धोष्म वक्र एल के संगत एंट्रोपी एस वन तथा रुद्धोष्म वक्र एम के संगत एंट्रोपी एस टू हो, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी में कुल परिवर्तन इंटीग्रेशन एस वन टू एस टू डी एस, और ये हो जाएगा एस टू माइनस एस वन एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन एल टू एम डी क्यू बाई टी। एंट्रोपी इज ऑल्सो नोन एज थर्मल इनर्सिया। एंट्रोपी ऊष्मीय इनर्सिया या ऊष्मीय जड़त्व भी कहलाती है, विच ऑब्स्ट्रक्ट्स टू हीट मोशन, जो ऊष्मा के प्रवाह को रोकती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। इट इज सिमिलर टू मास ऑब्स्ट्रक्ट द लीनियर मोशन एंड इनर्सिया
ऑब्स्ट्रक्ट द रोटेशनल मोशन। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि द्रव्यमान रेखीय गति का विरोध करता है एवं जड़त्व घूर्णन गति का विरोध करता है। सो थर्मल इनर्शिया या ऊष्मीय जड़त्व हीट के मोशन का अपोज करता है, हीट के गति का या ऊष्मा की गति का विरोध करता है। यूनिट ऑफ एंट्रोपी इस कैलोरी पर केल्विन और जूल पर केल्विन। एंट्रोपी का मात्रक कैलोरी पर केल्विन या जूल पर केल्विन होता है। द एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एडियाबेटिक चेंज जस्ट एज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। एंट्रोपी रुद्रोष्म परिवर्तन में नियत रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि सब तापीय परिवर्तन में या सब तापीय प्रक्रम में ताप का मान स्थिर रहता है। सो एडियाबेटिक चेंज या रुद्रोष्म परिवर्तन में एंट्रोपी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस ये सब तापीय प्रक्रम में ताप का मान नियत रहता है। The adiabatic curve on PV diagram are therefore called as isentropics. That is the curve of constant entropy. इसलिए PV चित्र पर रुद्रोष्म वक्र सब एंट्रोपिक वक्र कहलाता है, अर्थात ऐसा वक्र जिसकी एंट्रोपी नियत रहती है। Now, change of entropy in a reversible process. तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। So, change of entropy in a reversible process. उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। अब यहां पर हमने एक कार्नोट साइकिल दिखाया है, एक कार्नोट चक्र दिखाया है। सो दिस इज अ कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल। यह कार्नोट उत्क्रमणीय चक्र है। ए बी इज आवर आइसोथर्मल एक्सपांशन, ए बी सब तापीय प्रसार है एंड दिस एक्सपांशन इज एट टेम्परेचर टी वन। यह प्रसार ताप टी वन पर है एंड एट दिस टेम्परेचर Q1 heat is taken from the source. इस ताप पर स्रोत से Q1 ऊष्मा ली जाती है। BC is our adiabatic expansion. BC रुद्रोष्म प्रसार है। CD is isothermal compression, which is at temperature T2. And at this temperature, Q2 heat is rejected to the sink. CD सब तापीय संपीड़न है जो ताप T2 पर है एवं इस ताप पर सिंक को Q2 ऊष्मा दी जाती है। एंड फाइनली DA इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। वक्र DA रुद्रोष्म संपीड़न है। सो ABCD इज आवर रिवर्सिबल साइकिल। एबीसीडी एक उत्क्रमणीय चक्र है। ड्यूरिंग ए टू बी हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। वक्र ए से बी के दौरान निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है, निकाय स्रोत से ऊष्मा लेता है। सो क्यू वन इज ग्रेटर देन जीरो। क्यू वन इज हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। यह Q1 स्रोत से ली गई ऊष्मा है। सो एंट्रोपी S1 इज इक्वल टू Q1 बाई T1 एंड सिंस Q1 इज
ग्रेटर देन जीरो, क्यू वन धनात्मक है एंड टेम्परेचर टी वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ताप टी वन भी धनात्मक है सो एस वन विल बी ग्रेटर देन जीरो. अब क्यू वन पॉजिटिव टी वन पॉजिटिव सो क्यू वन बाई टी वन भी पॉजिटिव होगा सो एस इज ग्रेटर देन जीरो. सो सब तापीय प्रसार के दौरान एंट्रोपी में वृद्धि होती है. सो गेन इन एंट्रोपी बाय द वर्किंग सब्सटेंस और द लॉस इन एंट्रोपी बाय द सोर्स. अतः कार्यकारी पदार्थ द्वारा एंट्रोपी ग्रहण की जाती है या स्रोत द्वारा एंट्रोपी का ह्रास होता है. ड्यूरिंग बी टू सी बी सी वक्र के दौरान दिस इज एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस या वास्तव में रुद्धोष्म प्रक्रम है. एंड इन एडियाबेटिक प्रोसेस नाइदर हीट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स नॉर हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक सो चेंज इन हीट इज जीरो. रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान न तो स्रोत से ऊष्मा ली जाती है न ही सिंक को ऊष्मा दी जाती है, अतः ऊष्मा का परिवर्तन शून्य होता है. सो डी क्यू इक्वल टू जीरो इट मीन्स एफ टू इज इक्वल टू जीरो. सो ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस और ड्यूरिंग बी टू सी एंट्रोपी विल बी जीरो. तो बी से सी के दौरान या रुद्धोष्म परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी एस टू का मान शून्य होगा. नाउ ड्यूरिंग सी टू डी हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक. वक्र सी डी के दौरान सिंक को ऊष्मा दी जाती है बिकॉज दिस इज आवर आइसोथर्मल कंप्रेशन. यह वास्तव में समतापीय संपीड़न है. सो Q2 इज लेस देन जीरो और S3 इक्वल टू Q2 अपॉन T2 एंड Q2 इज लेस देन जीरो इट मीन्स दिस इज नेगेटिव एंड T2 इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स T2 इज पॉजिटिव. तो ये हमारा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है इसका मतलब Q2 अपॉन T2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा. सो S3 इज नेगेटिव और S3 इज लेस देन जीरो. So, loss in entropy by the working substance or gain in entropy by the sink. अतः कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में कमी या सिंक की एंट्रोपी में वृद्धि S3 होगी. Now, during D2A, वक्र डी ए के दौरान दिस इज अगेन एडियाबेटिक कर्व इट रिप्रेजेंट्स द एडियाबेटिक कंप्रेशन. डी ए वक्र हमारा रुद्धोष्म संपीडन है सो डी क्यू इक्वल टू जीरो एंड डी क्यू जीरो है सो एस फोर इज इक्वल टू जीरो. सो एस वन इक्वल टू क्यू वन बाई टी वन जो ग्रेटर देन जीरो था. एस टू इक्वल टू जीरो. एस थ्री इक्वल टू Q2 by T2 जो कि हमारा लेस देन जीरो था एंड S4 हमने जीरो निकाला है. फिर कंप्लीट साइकिल में एंट्रोपी में चेंज कितना होगा एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं. सो नेट गेन इन एंट्रोपी बाय द वर्किंग सब्सटेंस इन ए कंप्लीट साइकिल. अतः एक पूर्ण चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई परिणामी एंट्रोपी S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4. सो S1, S2, S3 एंड S4 चारों को ऐड कर देते हैं. सो S1 Q1 by T1, S2 जीरो है, S3 Q2 by T2 और ये हमारा नेगेटिव है जबकि S4 हमारा जीरो है. सो डेल्टा S इज इक्वल टू Q1 by T1 माइनस क्यू टू बाई टी टू. सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू वन बाई टी वन माइनस क्यू टू बाई टी टू.
Since in a complete reversible cycle, Q1 by T1 is equal to Q2 by T2. क्योंकि एक पूर्ण उत्क्रमणीय प्रक्रम में Q1 upon T1 is equal to Q2 by T2 होता है. इसका मतलब Q1 by T1 minus Q2 by T2 की वैल्यू 0 हो जाएगी. So in a complete reversible cycle, delta S is equal to 0. अतः एक पूर्ण उत्क्रमणीय प्रक्रम में डेल्टा एस या एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होगा. Thus, in a cycle of reversible process, the entropy of the system remains unchanged, or the change in entropy of the system is zero. इस प्रकार एक उत्क्रमणीय परिवर्तन में पूर्ण चक्र में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या एंट्रोपी का मान नियत रहता है, या निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है. नाउ चेंज ऑफ एंट्रोपी इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस. अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन. So change of entropy in an irreversible process. एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन. Efficiency of an engine. एक इंजन की दक्षता ηi is equal to 1 minus Q2 upon Q1. Here Q1 is heat taken from the source and Q2 is the heat given to the sink. यहां Q1 स्रोत से ली गई ऊष्मा है, जबकि Q2 सिंक को दी गई ऊष्मा है. Let the efficiency of reversible engine working between the same two temperatures T1 and T2 B. माना समान ताप T1 एवं T2 के मध्य कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ηr is equal to 1 minus T2 upon T1 है. But from Carnot's theorem, ηr is greater than ηi. क्योंकि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी या उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सदैव अनुत्क्रमणीय इंजन से अधिक होती है. एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इररिवर्सिबल इंजन. सो ηr इज ग्रेटर देन ηi. इट मींस 1 माइनस T2 अपॉन T1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. So 1 minus T2 upon T1 is greater than 1 minus Q2 upon Q1. अब यहां पर 1 से 1 कैंसिल कर दो. So minus T2 upon T1 is greater than minus Q2 upon Q1, or T2 upon T1 is less than Q2 upon Q1. So T2 upon T1 is less than Q2 upon Q1. और यहां से आपको मिलेगा Q2 upon T2 is greater than Q1 upon T1, or Q2 upon T2 minus Q1 upon T1 is greater than 0. Here Q2 upon T2 is the entropy gained by the sink, and Q1 upon T1 is the entropy lost by the source. यहां Q2 upon T2 सिंक द्वारा ग्रहण की गई एंट्रोपी है, जबकि Q1 upon T1 स्रोत द्वारा क्षय की गई एंट्रोपी है. तो जितनी एंट्रोपी सोर्स लॉस करेगा और जितनी एंट्रोपी
सिक गेन करेगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारा ग्रेटर देन जीरो है। सो क्यू टू अपॉन टी टू माइनस क्यू वन अपॉन टी वन इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स डी एस इज ग्रेटर देन जीरो और द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन सदैव धनात्मक होता है। Thus, there is an increase in entropy of the system during an irreversible process. इस प्रकार एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान निकाय की एंट्रोपी में सदैव वृद्धि होती है। Now, principle of increase of entropy. एंट्रोपी में वृद्धि का सिद्धांत। सो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी या एंट्रोपी में वृद्धि का सिद्धांत। अभी हमने प्रूव किया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में वृद्धि होती है, एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में सदैव एंट्रोपी में वृद्धि होती है। और नेचर में जितने भी फिजिकल प्रोसेस है, ये जितने भी भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो अधिकतर इरिवर्सिबल है, वो अधिकतर अनुत्क्रमणीय है। फलस्वरूप प्रकृति की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, नेचर की एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होती है। सिंस द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस बट इंक्रीज इन ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस। चूंकि उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी नियत रहती है, जबकि सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। सिंस अ रिवर्सिबल प्रोसेस रिप्रेजेंट्स अ लिमिटिंग आइडियल केस एंड हेंस ऑल द सिस्टम आर एक्चुअली इरिवर्सिबल। चूंकि एक उत्क्रमणीय प्रक्रम एक सीमांत आदर्श स्थिति दर्शाता है तथा प्रकृति में होने वाले सभी परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, इट मीन्स दैट एज साइकिल आफ्टर साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड टेंड्स टू अ मैक्सिमम वैल्यू। इस प्रकार जैसे जैसे चक्र चलता रहता है, एंट्रोपी में वृद्धि सतत रूप से निकाय की होती रहती है तथा निकाय अधिकतम मान वाली एंट्रोपी की ओर अग्रसर होता है। तो नेचर में या प्रकृति में जो प्रोसेस है वो हमारे इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, और हर इरिवर्सिबल साइकिल में एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो जितने चक्र गुजरते जाएंगे एंट्रोपी में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। तो निकाय की एंट्रोपी सतत रूप से बढ़ती है तथा यह अधिकतम मान की ओर अग्रसर होती है। This is the principle of increase of entropy. यह एंट्रोपी में वृद्धि का सिद्धांत है। So ds is greater and equal to zero. ds means change in entropy. Equality sign reversible process के लिए होगा, जबकि greater than sign या inequality sign हमारा irreversible process के लिए है।
तो बराबर का चिन्ह उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए होगा, जबकि ग्रेटर देन साइन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए होगा। सो हियर इक्वलिटी साइन रेफर्स टू रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द इनइक्वलिटी साइन इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहां बराबर का चिन्ह उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए है तथा सर्वसमिका या असमानता का चिन्ह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए है। नाउ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ताप एंट्रोपी चित्र। सो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम और TS डायग्राम, हियर T रेफर्स टू टेम्परेचर एंड S रेफर्स टू एंट्रोपी। तो यहां T ताप को दर्शाता है जबकि S एंट्रोपी को दर्शाता है। अब यहां पर हमने दो डायग्राम दिखाए हैं। दिस इज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल एंड दिस इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट चक्र के लिए यह हमारा आयतन तथा दाब के मध्य वक्र है, जबकि ये कार्नोट चक्र के लिए ताप एवं एंट्रोपी के मध्य वक्र है। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन ये सब तापीय प्रसार में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इसलिए ए से बी के ड्यूरेशन में हमारी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी में वृद्धि होती है। बी सी इज एडियाबेटिक एक्सपांशन, बी सी रुद्धोष्म प्रसार है एंड ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपांशन देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी और एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो दिस इज आवर वर्टिकल लाइन। चूंकि रुद्धोष्म प्रसार के दौरान निकाय की एंट्रोपी नियत रहती है या एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए BC हमारी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो एंट्रोपी S2 पर है। CD इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, CD समतापीय संपीड़न है। सो हियर द चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव या एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक है। एंड DA इज अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन, DA रुद्धोष्म संपीड़न है, तो इस दौरान एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी। सो हियर द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस कर्व इज एट एंट्रोपी S1, यह वक्र एंट्रोपी S1 पर है। दिस डायग्राम इज यूज्ड इन द चेकिंग ऑफ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एक्चुअल इंजन। यह चित्र वास्तविक इंजन की कार्य करने की दक्षता को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि किसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा होगी, उसके लिए हम TS डायग्राम या टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम यूज करते हैं। हियर AB इज आइसोथर्मल एक्सपांशन एट टेम्परेचर T1। यहां AB ताप T1 पर समतापीय प्रसार है। सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये सब तापीय प्रसार है। CD इज आइसोथर्मल कंप्रेशन एट टी टू, CD ताप टी टू पर सब तापीय संपीड़न है। BC इज एडियाबेटिक एक्सपांशन, BC रुद्धोष्म प्रसार है, वेयर एज DA इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, जबकि DA रुद्धोष्म संपीड़न है। The amount of heat energy absorbed in AB, that is Q1. AB वक्र के दौरान अवशोषित की गई ऊष्मा ऊर्जा अर्थात Q1। So इस ड्यूरेशन में हम हीट Q1 absorb करते हैं, Q1 ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। और Q1 की वैल्यू क्या होगी? एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ए बी
एफ ई वक्र का क्षेत्रफल। तो ए बी एफ ई ए, ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा वक्र है, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स, यहां स्रोत द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा दर्शाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिजेक्टेड इन सी डी दैट इज क्यू टू, सी डी वक्र के दौरान दी गई ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा अर्थात क्यू टू। तो सी डी कर्व के ड्यूरेशन में या सी डी वक्र के दौरान ऊष्मा हम रिजेक्ट करते हैं, ऊष्मा हम सिंक को देते हैं, तो ये क्या जाएगा, एरिया ऑफ डी सी एफ ई डी, वक्र डी सी एफ ई का क्षेत्रफल। सो एरिया ऑफ डी सी एफ ई, सो हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क W इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू। तो ऊष्मा के कार्य में परिवर्तन का मान W इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू होगा। हियर क्यू वन इज एरिया ऑफ ए बी एफ ई एंड क्यू टू इज एरिया ऑफ डी सी एफ ई। तो ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो ए बी एफ ई का क्षेत्रफल माइनस डी सी एफ ई का क्षेत्रफल, तो ये क्या जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी वक्र का क्षेत्रफल, क्योंकि कर्व हमारा ये था। सो ए बी एफ ई ए, इसमें से डी सी एफ ई डी घटा देते हैं तो हमको ये वाला एरिया मिल जाता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, वक्र ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। अब एरिया निकालना है जो हमारा वर्क होगा, कार्य होगा, सो W इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। सो ए डी कितना है, टी वन माइनस टी टू, और डी सी कितना है, एस टू माइनस एस वन। सो W इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू एस टू माइनस एस वन, बट टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इज क्यू वन एंड दिस इज एरिया ऑफ ए बी एफ ई, परंतु अवशोषित कुल ऊष्मा Q1 इज इक्वल टू ए बी एफ ई का क्षेत्रफल है, और ए बी एफ ई का एरिया क्या होगा, ये क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी इंटू ए ई। सो Q1 इज इक्वल टू ए बी इंटू ए ई एंड ए बी कितना है हमारा, एच टू माइनस एस वन, एंड ए ई कितना है, टी वन। सो टी वन इंटू एच टू माइनस एस वन। नाउ एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वन, तो दक्षता डब्ल्यू अपॉन क्यू वन होती है। सो डब्ल्यू के अंदर क्यू वन से डिवाइड करो, सो टी वन माइनस टी टू इंटू एच टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाय टी वन इंटू एच टू माइनस एस वन। सो टी वन माइनस टी टू इंटू एस टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाय टी वन इंटू एस टू माइनस एस वन। अब एस टू माइनस एस वन से एस टू माइनस एस वन कैंसिल कर दो, सीधा क्या जाएगा, टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। अब टी वन को यहां पर भी डिवाइड करना है और यहां पर भी डिवाइड करना है, सो ईटा क्या जाएगा, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। सो ईटा इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, और ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। सो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से हम एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंजन की दक्षता का मान ज्ञात कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी इन डिफरेंट प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रम के लिए एंट्रोपी की गणना। सो कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, फर्स्ट वन इज एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, एक आदर्श गैस की एंट्रोपी। लेट वन ग्राम ऑफ ए परफेक्ट गैस ऑक्यूपाइंग वी वॉल्यूम एट पी प्रेशर एंड टी टेम्परेचर। माना एक ग्राम आदर्श गैस का आयतन वी है
जो पी दाब एवं टी ताप पर है। तो 1 ग्राम परफेक्ट गैसअप ले रहे हैं, 1 ग्राम आदर्श गैसअप ले रहे हैं, जिसका आयतन वी है, दाब पी है एंड ताप टी है। सो वी इज वॉल्यूम, पी इज प्रेशर एंड टी इज इट्स टेम्परेचर। इफ डी क्यू बी द क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन, यदि दी गई ऊष्मा की मात्रा डी क्यू हो तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हियर डी यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, वेर एज डी डब्ल्यू इज द वर्क डन, जबकि डी डब्ल्यू किया गया कार्य है। बट डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, परंतु डी यू का मान सीवी डी टी होता है जबकि डी डब्ल्यू का मान पी डी वी होता है, इसलिए डी क्यू इक्वल टू सीवी डी टी प्लस पी डी वी। और एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी, तो एंट्रोपी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। डी क्यू ये है तो इसको टी से डिवाइड कर दो और साथ में इंटीग्रेशन कर दो, तो एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/T सीवी डी टी प्लस पी डी वी, और दिस विल बी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीवी डी टी बाई टी प्लस इंटीग्रेशन पी अपॉन टी डीवी, इंटीग्रेशन पी बाई टी डीवी। नाउ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ताप एवं आयतन के पद में एंट्रोपी का मान। अब आदर्श गैस समीकरण या परफेक्ट गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू आरटी, यहां से P by T की वैल्यू आ गई है हमारे पास में R upon V, बट S का फॉर्मूला हमने ये निकाला था, तो यहां पर हम P by T की जगह R by V रख देते हैं, क्योंकि आपको P को एलिमिनेट करना है, दाब को आपको हटाना है, S की वैल्यू आपको T एंड V के टर्म्स में निकालनी है, सो P by T को आप R by V से रिप्लेस करो। So S is equal to CV integration DT by T and R as it is, और ये आ गया है integration DV by V, 1/T का integration log T and 1/V का integration log V. So S is equal to CV log T plus R log V plus constant of integration A. But from Baer's relation, मेयर के संबंध से R इक्वल टू सीपी माइनस सीवी, तो इस R की जगह सीपी माइनस सीवी रख दो, सो S इज इक्वल टू सीवी लॉग टी प्लस सीपी माइनस सीवी लॉग वी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो ताप एवं आयतन के पदों में एंट्रोपी का मान इस सूत्र से दिया जाएगा आदर्श गैस के लिए फॉर परफेक्ट गैस। नाउ द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर परफेक्ट गैस, तो आदर्श गैस के लिए ताप एवं दाब के पदों में एंट्रोपी का मान, सिंस पीवी इक्वल टू आरटी, सो यहां से वी अपॉन आरटी निकालें, तो V अपॉन आर टी हो जाएगा 1/P, और इसका अगर डिफरेंशियल करोगे तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी, और यहां से पी डी वी की वैल्यू अगर निकाले सो आर डी टी माइनस वी डी पी, सो पी डी वी इक्वल टू आर डी टी माइनस वी डी पी। अब S की वैल्यू हमारे पास में ये है, अब यहां पर पीडीवी की जगह हम आर डी टी माइनस वी डी पी रख देते हैं,
और नीचे वाला टी एज इट इज सी हो जाएगा, एस इज इक्वल टू सी वी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी जो एज इट इज है प्लस पी डी वी की जगह हमने ये रख दिया, सो आर डी टी माइनस वी डी पी एंड अपॉन टी, सो अपॉन टी, सो एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी वी डी टी बाई टी जो एज इट इज लिख दिया प्लस आर हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर बचेगा डी टी बाई टी, सो डी टी बाई टी माइनस यहां पर आ जाएगा v अपॉन आर टी, सो v अपॉन आर टी इंटू डी पी, बट v अपॉन आर टी इज 1 अपॉन पी, सो यहां पर हम 1 अपॉन पी रख देते हैं एंड इस r की जगह हम cp माइनस cv रखते हैं, तो ये cp माइनस cv हो गया और ये आ गया 1 अपॉन पी, सो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cv dt बाई टी जो एज इट इज, r की जगह हमने cp माइनस cv रख दिया यहां पर, सो cp माइनस cv dt बाई टी एज इट इज माइनस माइनस v अपॉन rt हो गया हमारा 1 अपॉन p, सो 1 अपॉन p dp। नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली है cv dt बाई टी एंड cv dt बाई टी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारी चेंज हो जाएगी, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cp dt बाई टी, क्योंकि cv dt बाई टी हमारा कैंसिल हो गया है, सो cp dt बाई टी बचा हुआ है, सो cp dt बाई टी और यहां पर माइनस से माइनस cp माइनस cv dp अपॉन p, सो cp माइनस cv dp बाई p। अब इसका इंटीग्रेशन करो, सो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t एंड 1 अपॉन p का log v, सो s इज इक्वल टू cp log t माइनस cp माइनस cv log p प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a, तो a हमारा समानुपाती नियतांक है। नाउ द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस, तो दाब एवं आयतन के पद में आदर्श गैस की एंट्रोपी, आइडियल गैस इक्वेशन और परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT, से हमारी आदर्श गैस समीकरण है, इसका डिफरेंशियल करते हैं, सो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू RdT और यहां से DT की वैल्यू आ जाएगी PdV प्लस VdP अपॉन R। अब S का फॉर्मूला हमारे पास में ये है, हमको P एंड V की टर्म्स में निकालना है तो T को हमको एलिमिनेट करना है, तो इस DT की जगह हम PdV प्लस VdP अपॉन R रख देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन CV PdV प्लस VdP अपॉन RT प्लस P बाई T DV। अब RT की वैल्यू हमारी PV है एंड यहां से P बाई टी निकालोगे तो आएगा R अपॉन V, तो P बाई टी की जगह R बाई V रख दो और इस RT की जगह PV रख दो, तो हमारा चेंज हो जाएगा, S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन CV PdV प्लस VdP अपॉन PV प्लस R बाई V DV। अब इसको ओपन करो तो P से P कैंसिल, क्या आएगा CV DV बाई V प्लस यहां पर V से V कैंसिल, सो प्लस dp बाई पी प्लस आर बाई वी डीवी एंड r की जगह अब cp माइनस cv रखेंगे, सो s इज इक्वल टू cv यहां से हमको मिला dv बाई वी, यहां से dp बाई पी और r को हमने रख दिया cp माइनस cv एंड dv बाई वी। नाउ ये क्वेश्चन अभी हमको मिली है, 1 अपॉन वी का लॉग वी, 1 अपॉन पी का लॉग पी और इसका 1 अपॉन वी का लॉग वी, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं, यहां पर सी वी डीवी बाई वी और यहां पर भी सी वी डीवी बाई वी, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी वी डीपी बाई पी प्लस सी पी डीवी बाई वी, सो 1 अपॉन पी का लॉग पी 1 अपॉन वी का लॉग वी, सो ऐसा जाएगा सी वी लॉग पी
plus Cp log V plus constant of integration A. So this is the value of entropy for perfect gas in terms of pressure and volume. तो यह आदर्श गैस के लिए दाब एवं आयतन के पदों में एंट्रोपी का मान है. नाउ एक फॉर्मूला हमने ये निकाला था, एक ये निकाला है और एक हमने ये निकाला है. ये एंट्रोपी हमने किस केस में निकाली है? इन एबो रिलेशंस वी फाइंड द एंट्रोपी एट टी इक्वल टू जीरो केल्विन. उपरोक्त संबंध में हमने एंट्रोपी टी बराबर जीरो केल्विन पर प्राप्त की है. इफ गैस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम पी वन वी वन टी वन टू पी टू वी टू टी टू देन. यदि गैस अपनी अवस्था पी वन वी वन टी वन से पी टू वी टू टी टू तक परिवर्तित करती है तो एच टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा log T2 minus log T1 means log T2 upon T1 plus Cp minus Cv as it is, और ये हो जाएगा log V2 minus log V1 जो कि log V2 upon V1 होगा. अब यहां पर हमने लिमिट लगा दी है इसलिए ये हमारा यूज नहीं होगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने कॉन्स्टेंट लगाया है. और ये हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, H2 minus S1 is equal to Cp log T2 upon T1 माइनस सीपी माइनस सीवी लॉग पी टू अपॉन पी वन. और ये आ जाएगा एच टू माइनस एस वन इज इक्वल टू सीवी लॉग पी टू अपॉन पी वन प्लस सीपी लॉग वी टू अपॉन वी वन. सो अगर गैस हमारी पी वन वी वन टी वन स्टेट से पी टू वी टू टी टू स्टेट तक जाती है तो एंट्रोपी के ये जो फॉर्मूले थे ये हमारे चेंज होकर इन फॉर्मूले में मॉडिफाई हो जाएंगे. Now, entropy of steam, वाष्प की entropy. Let 1 gram of ice is at temperature T1. माना 1 gram बर्फ ताप T1 पर है. तो पहले ice हमारी water में change होगी, water फिर boil होगा, ये गर्म होगा और उसके बाद में वो हमारा steam में change होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा. So, ds is equal to dq by t होता है. To convert 1 gram of ice at T1 Kelvin into water at T1 Kelvin, Li, that is latent heat of ice, is used. So, at T1 Kelvin, Li amount of heat is given. 1 gram बर्फ जो T1 Kelvin ताप पर है को T1 Kelvin ताप पर पानी में परिवर्तित करने के लिए एल आई ऊष्मा की आवश्यकता होगी. एंड दिस एल आई इज लेटेंट हीट ऑफ आइस. यह एल आई बर्फ की गुप्त ऊष्मा है. सो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस परिवर्तन में एंट्रोपी में परिवर्तन, एस वन इज इक्वल टू एल आई अपॉन टी वन. अब ये T1 केल्विन टेम्परेचर पर जो वाटर है ये हमारा गर्म होना स्टार्ट करेगा, बॉइल होना स्टार्ट करेगा. सो व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर एट T1 केल्विन इज हीटेड टू T2 केल्विन, जब 1 ग्राम पानी जो T1 केल्विन ताप पर है T2 केल्विन ताप तक गर्म होता है तो चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी में परिवर्तन इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 dQ by T, क्योंकि ऐसे हमारा dQ by T एंड टेम्परेचर हमारा T1 से T2 तक चेंज हो रहा है से आ जाएगा इंटीग्रेशन T1 टू T2 dQ by T और dQ की जगह C into dT रख देते हैं. सो इंटीग्रेशन T1 टू T2 C dT by T. हियर C इज The स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर, यहां से पानी की विशिष्ट ऊष्मा है और इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन टी का लॉग टी. सो एच टू इज इक्वल टू सी लॉग टी टू अपॉन टी वन. नाउ
वाटर जो T2 केल्विन टेम्परेचर पर पहुंच गया है वो अब स्टीम या वाष्प में परिवर्तित होगा। सिर्फ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट T2 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट T2 केल्विन, देन LS हीट इज गिवन टू वाटर। यदि 1 ग्राम पानी जो T2 केल्विन ताप पर है T2 केल्विन ताप पर वाष्प में परिवर्तित होता है तो LS ऊष्मा की आवश्यकता होगी पानी को। हियर LS इज लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, यहां LS वाष्प की गुप्त ऊष्मा है। सो चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी में परिवर्तन S3 इज इक्वल टू LS अपॉन T2। अब S1 हमने ये निकाला था, S2 ये था और S3 अभी हमने ये निकाल दिया है। तो आइस जब वाटर में चेंज होगा और वाटर से फिर स्टीम में चेंज होगा तो आइस को स्टीम में चेंज होने के लिए या बर्फ को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो कुल एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, टोटल चेंज इन एंट्रोपी होगी, उसकी वैल्यू निकालनी है तो तीनों को ऐड कर दो। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कुल परिवर्तन, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 इज L1 अपॉन T1, S2 इज C log T2 अपॉन T1 एंड S3 इज LS अपॉन T2। सो S इज इक्वल टू LI अपॉन T1 प्लस C log T2 अपॉन T1 प्लस LS अपॉन T2। So this is the total change in entropy of steam. यहां वाष्प की कुल एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। So यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने एंट्रोपी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम क्या है, और साथ में हमने डिफरेंट सिस्टम के लिए एंट्रोपी की वैल्यू निकाल दी है। सो गुड बाय।